सो विल बी डिस्कसिंग ऑसिलेशन का वन शॉट, फटाफट डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूँगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, बहुत सारे बच्चों को डाउट था, पर्सनली मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। अगेन जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोग टाइम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट ऑब्वियसली आप लोग का ही फ़ायदा है। बट अच्छा लग रहा है कि यार कुछ बच्चे सच में एफर्ट्स ले रहे, कुछ नए बच्चे हैं जो एफर्ट्स लेके सॉल्व कर रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि बच्चे लोग कुछ एफर्ट्स लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पार्ट हम लोग ने टेक्स्ट बुक जो अपना जो वीडियोस हुए, वीडियो लेक्चर्स हुए, उसमें जो डिस्कस किया है वो मैं पार्ट डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। वो वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा जो मैंने सीईटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का एक वीडियो बनाया था, ऑसिलेशन का लास्ट का वीडियो था जो कि सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड था। उसमें भी कुछ थियोरी डिस्कस की थी, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ये प्योरली ऐसा का टॉपिक है जो आप लोग ने जो आप लोगों को जो PDF दी गई थी 35-40 क्वेश्चंस की, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, मतलब ये न्यूमेरिकल्स के लिए, सिर्फ ये MCQs के लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा था। हाँ, इसका यूज़ MCQ में हो सकता है, बट इसमें कोई मैं MCQ डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होगी वही PDF की जो मैंने तुम आप लोगों को दी थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग चालू करते हैं ऑसिलेशन का वन शॉट। ध्यान दो, पहले टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे छः बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहला ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, एक सेकेंड, ये ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स का फॉर्मूला। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एक फॉर्मूला। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऊपर वाले फॉर्मूला का ही ये एक्सटेंशन है, ऊपर वाले फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है ये। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे मुझे अभी भी पूछ रहे कि पाथ लेंथ क्या होता है। पाथ लेंथ होता है 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पूछने जैसी चीज़ नहीं है कि आप बार बार पूछो मुझे वो चीज़, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए ये वाली पार्ट। पाथ लेंथ इक्वल टू 2a, या फिर पाथ इक्वल्स टू पाथ ऑफ SHM बोला रहेगा तो वो 2a बन जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। ये टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब टाइप वन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके लिए आपको रिफ़र करने हैं PDF के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 11। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्टली पूछा गया है, के दिया गया है, एम दिया गया है, ओमेगा निकालना है, बाद में फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस है। आप टेक्स्ट बुक जाओगे, आपका जो बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक है उसमें वो क्वेश्चन है, आप देखो, अभी वीडियो को पॉज करो और बाद में देखो। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -36x, ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 आता है तो ओमेगा इक्वल टू 6 आएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ है, उसमें अगर पुट करूँगा तो मुझे मिलेगी एफ, और टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन एफ, तो ये ऐसे निकालते हैं। क्लियर ये वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, मतलब जो आपको आपको PDF में नहीं दी गया, बट दिया नहीं गया है, बट आपके बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू -36x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th के ऊपर जाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4th में कुछ ऐसे डिस्कस किया गया है कि मुझे दिया है, मास दिया गया है और SHM का एक इक्वेशन दिया गया है, मतलब ऐसे दिया है एक्स इक्वल टू 2 cos 50t, ये दिया गया है। मुझे पूछा गया है कि फाइंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब के होता है, के का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये मिल गया एम ओमेगा स्क्वायर। अभी एम मुझे दिया गया है, मास दिया गया है, कितना दिया मास, 3 kg दिया है। ओमेगा कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा क्योंकि ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा कितना गया, 50। वैल्यूज पुट करो और डायरेक्टली सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन नंबर 4th भी मिल जाएगा। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 4th कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11th में ये पूछा गया है कि, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो। क्वेश्चन नंबर 11th में ये पूछा गया, पार्टिकल ऑफ SHM हैज़ अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम पीरियड दिया गया है, एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैपिटल ए दिया गया है।
पूछा गया, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इट इज़ इन, इट इज़ एट 4 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे मुझे पूछा गया कि ये क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। अभी सुनो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, 11th वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ध्यान दो। एम्पलीट्यूड कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बट कहाँ पे बोला है, एक्सट्रीम पोजीशन पे बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ओपन करो, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से एक्स 4 सेंटीमीटर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर करते हैं हम लोग मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम लोग मेजर करते हैं मीन पोजीशन से, कुछ ऐसे दिखता है डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम या फिर राइट एक्सट्रीम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, मीन पोजीशन से मेजर करूँगा तो ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो गलती से भी फटाफट सॉल्व करते, डिस्प्लेसमेंट को एक्स सेंटी, डिस्प्लेसमेंट को 4 सेंटीमीटर मत लेना, डिस्प्लेसमेंट ये क्वेश्चन में कितना है 6 सेंटीमीटर। सबको क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखो। अभी अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते इस टाइम पे बाजू में नोट्स के टाइम नोट्स निकालो और इसका नोट्स आप खुद भी बनाओ और वहाँ पे ये भी लिखो कि डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड फ्रॉम दी मीन पोजिशन। इन क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, इन क्वेश्चन नंबर 11 द डिस्प्लेसमेंट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज़ फ्रॉम दी राइट एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर ये वाला पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, हाँ, ओमेगा का एक और एक फॉर्मूला है जो कि है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स, यही फॉर्मूला से है, ये वाला फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला आ गया। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूँगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अपॉन, एंड ये वाला फॉर्मूला ओमेगा की जगह पे ये वाला पार्ट फूट किया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। क्लियर है, क्वेश्चन स्पेशल केस एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में स्पेशल केस दिया गया है, वुडन रॉड फ्लोट्स इन अ वाटर, मतलब ऐसे है, अगर इसका डी पार्ट नीचे गया रहेगा तो ये ना बॉयंसी फोर्स ऊपर अप्लाई होगा और ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, डी का हो रहा है, तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ये मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, डी का, तो फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी अपॉन, एक्सीलेशन कौन सा है, नीचे के अंडर ऑफ एक्सीलेशन होता है वो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी अपॉन जी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का रहे क्वेश्चन नंबर 24 को रिफ़र करो, क्वेश्चन नंबर 24 को रिफ़र करो जहाँ पे डी क्या है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक दैट इज इमर्स्ड इन वाटर। सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 24 कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला ये वाला पार्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सिलेबस में डिस्कस नहीं किया इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बराबर से ध्यान दो। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, सॉरी वेलोसिटी का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ये है एक्स, देखो ना एक्स से एक्सेलरेशन का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट ये क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम दी मीन पोजिशन, जब पार्टिकल मीन पोजिशन चालू होता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलेरेशन उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। उसके बाद पार्टिकल अगर एक सेकेंड आपको पीडीएफ में एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मीन पोजीशन के बदले आएगा एक्सट्रीम पोजीशन, गलती हो गई, पीडीएफ में चेंज कर दो, मीन पोजीशन के बदले आएगा एक्सट्रीम पोजीशन।
राइट एक्सट्रीम से पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है तो एक्स की इक्वेशन आएगी ए कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी आएगी ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक्सलेशन आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। चेंज कर दो ना, ये चेंज कर दो, पीडीएफ में आपको चेंज करना है, मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मैं घाई घाई में पीडीएफ बना दिया तो हो गया। तो अगर अगर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट दिया गया रहेगा तो वेलोसिटी का ये इक्वेशन यूज़ करो, अगर एक्सलेशन दिया गया सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो एक्सलेशन का ये इक्वेशन पुट करो यूज़ करो, अगर टाइम दिया गया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन, वेलोसिटी का ये इक्वेशन और एक्सलेशन का ये इक्वेशन। जब पार्टिकल चालू करेगा कहाँ से, मीन पोजीशन से, जब पार्टिकल चालू करेगा एक्सट्रीम पोजीशन से तो ये तीन इक्वेशन यूज़ करना है आपको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं, अब ये रिफ़र करने, ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिफ़र करो ये वाले क्वेश्चन सारे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी परफॉर्मिंग SHM ऑफ पीरियड 2 सेकेंड्स टू कवर हाफ द एम्पलीट्यूड। मैं क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूँ फटाफट, अगर किसी को चाहिए रहेगा इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं फटाफट सॉल्व करूँगा। टाइम टेकन बाय अ बॉडी परफॉर्मिंग SHM ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड बोला 2 सेकेंड्स, सॉरी 2 सेकेंड्स, सर्दी हो गई है, 2 सेकेंड्स टू कवर हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोला ए बाय टू, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, ए एक्सट्रीम पोजिशन चालू कर रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ से चालू कर रहा है, बराबर है। अभी ये ए बाय टू ट्रैवल किया तो ये भी कितना रहेगा, क्योंकि मेन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ए बाय टू। अगर अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला रहता कि ये ए बाय फोर रहता तो एक्स आता, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आता 3a/4, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से a/4 है एक्सट्रीम से, तो यहाँ से कितना, मीन से कितना, 3a/4, सबको क्लियर है। मैंने बोला भी है, मैंने नोट भी बोला कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेजर करते कहाँ से, मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे a/2 है तो उधर से भी a/2 ही रहेगा। आगे क्या बोला है, हाफ द एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, टाइम पूछा है, मुझे बताओ कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T, तो आएगा 2π/2 कैंसर, ये आएगा पाए। एक्सट्रीम से चालू करेगा तो एक्स का इक्वेशन होता है ए कॉस ओमेगा टी, बराबर है। जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और मुझे टाइम निकालना होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला ही क्वेश्चन यूज़ करना है। देखो ना, मैंने क्या बोला, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी निकालना है डायरेक्टली फॉर्मूला, बट डिस्प्लेसमेंट दिया और टाइम निकालने का रहेगा, देखो ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया और टाइम निकालने का रहेगा तो कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स क्या आएगा, ए बाय टू इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ये ए ए कैंसल, कॉस 1/2 किसके लिए होता है, कॉस 1/2 ये होता है π/3 के लिए, आएगा ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कितना है π/π × t, π कैंसिल, तो टी कितना आएगा 1/3 सेकेंड। सबको क्लियर ये वाला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, मैं ये रफ कर लेता हूँ, कॉपी कर लो फटाक से, मैं ये रफ कर लेता हूँ। अ 3 kg ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग परफॉर्म्स लीनियर SHM विद डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय, एक्स दिया गया है 2 cos 50 t, मास दिया है 3 kg, पूछा है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इजी क्वेश्चन है ये, अभी थोड़ी देर पहले किया था ये, 50 ओमेगा बनेगा, मास दिया है 3 kg, ओमेगा अंडर रूट ऑफ k/m, तो k क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू m, वैल्यू पुट करो ओमेगा स्क्वायर का 50 का स्क्वायर, एम का वैल्यू पुट करो 3, आंसर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में इक्वेशन दिया गया है क्या, एक्स इक्वल टू 5 cos 2π t + π/4, पूछा क्या गया है, वेर एक्स एंड टी आर इन असाइनमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ द बॉडी एट t = 1.5 सेकेंड्स पे मुझे वेलोसिटी और एक्सेलेशन निकालना है। ए इसके लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, टाइम की वैल्यू पुट करो उसमें वेलोसिटी मिल जाएगा,
वेलोसिटी के इक्वेशन को डेरिवेटिव करेगा तो मिलेगा एक्सेलेरेशन, टाइम की वैल्यू पुट करो 1.5 सेकेंड आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। ए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए तो मैं इसको अभी डीप में नहीं बता रहा हूँ, ऊपर के ऊपर में बता रहा हूँ क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द SHM, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूरा सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को आया नहीं रहेगा, किसी को आया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहेगा तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इक्वेशन ऑफ द SHM ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज x इक्वल टू a साइन पाई बाय 60 प्लस b कॉस पाई बाय 60, वेर a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a साइन पाई बाय 60 प्लस 5, फाइंड a एंड फाइव, ये दो चीज़ें निकालने को बोलिए। अभी आप देख सकते हो कि ये दो अलग अलग SHM हैं, ये दो अलग अलग SHM हैं, और दो अलग अलग SHM रहेंगे, अगर दो अलग अलग SHM रहेंगे तो मुझे पता है कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते बाय कॉम्पोजिशन ऑफ SHM भी, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते बाय कॉम्पोजिशन ऑफ SHM भी। तो अगर बाय कॉम्पोजिशन ऑफ SHM अगर सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो। आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मेथड लेना है वही मेथड लेना है, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मन में हम लोग ये करेंगे कि स्मॉल ए को पुट करेंगे ए कॉस फाइव और स्मॉल बी को पुट करेंगे ए साइन फाइव। यहाँ पे साइन है तो आपको कॉस लेना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस है तो आपको लेना पड़ेगा साइन। तो एक्स की इक्वेशन आएगी ए कॉस फाइव साइन पाई बाय 60 प्लस बी ए साइन फाइव कॉस ऑफ पाई बाय 60 ए सॉरी बी 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 बराबर है, बराबर ए बराबर है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आएगा ए, अंदर बचेगा कॉस फाइव साइन पाई बाय 60 प्लस साइन फाइव कॉस पाई बाय 60। ये जो होता है ना फॉर्मूला किसका है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ऑफ ए मतलब फाइव प्लस पाई बाय 60, ये आ गया एक्स। क्लियर है? अभी मुझे ए निकालना है, मुझे ये वैल्यू पता है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो आएगा ए स्क्वायर। देखो ना ये इक्वेशन वैसी ही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रहा है देखो, तो मुझे ए निकालना है अभी ए। तो क्या किया मैंने, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर था इसको और इसको बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर दिया और उसको ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर रहेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, कॉमन आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाता है वन, तो आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, ए कितना है, ए है मेरा 3, बी कितना है मेरा 4, तो आंसर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये का अंडर रूट ऑफ 25 जो कि आएगा 5। क्लियर है ये ऑल पार्ट? अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे 5 निकालना है। तो ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट, जब भी दो ऐसे टर्म्स रहेंगे साइन और कॉस के टर्म्स में और अपने को अगर कैपिटल ए निकालने का होता तो स्क्वायर करके ऐड करना, देखो स्क्वायर करके ऐड किया, और अगर हम लोगों को एंगल निकालेगा तो डिवाइड करो, डिवाइड करोगे मतलब क्या, इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को डिवाइड कर दो, तो आएगा बी अपॉन ए इक्वल टू ए साइन फाइव अपॉन ए कॉस फाइव, ए ए कैंसल, ए आएगा टेन फाइव। ए बी की वैल्यू मुझे पता है 4, ए की वैल्यू मुझे पता है 3, वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वैल्यूज़ को पुट करो और सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली अगर सॉल्व करने का रहेगा तो ध्यान दो, ये 5 है, ये 3, ये 3 है और ये 4 है। जो 5 और 3 के बीच में एंगल होता है 53 होता है, 5 और 4 के बीच में एंगल होता है 37। ये स्पेशल ट्राइंगल है, इसको बोलते
ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स, 5-3-4 के रेशो में जो रहता है उसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो ये स्पेशल ट्राइंगल है जिसको, जिन्होंने JEE का लेक्चर्स अटेंड किया उसको ये एंगल ट्राइंगल पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं लॉग टेबल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग टेबल से भी सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले न्यूमेरिकल को कॉपी कर लो एज इट इज़, अलग टाइप का न्यूमेरिकल, बहुत लोगों को आया रहेगा, बहुत लोगों को आया नहीं रहेगा, तो कॉपी कर लो, मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM ऑफ पीरियड 12 सेकंड्स एंड एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। इफ इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट पोजिशन। मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, उसको 6 सेंटीमीटर पे पहुंचने का है, एम्पलीट्यूड बोला है कितना 8 सेंटीमीटर। मतलब ध्यान दो, पार्टिकल यहाँ पे बराबर है, पार्टिकल यहाँ पे, अभी यहाँ से मुझे ट्रैवल करना है कितना 6 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड बोला है कितना 8 सेंटीमीटर, तो मुझे बोला ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, टाइम पीरियड बोला है 12 सेकंड्स, बराबर है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 6 सेंटीमीटर बोला है। तो फॉर्मूला राइट से चालू कर रहा है, तो कॉस एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 2, 6 नहीं 2 है, 2 इक्वल टू 8 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा आता है, ओमेगा आएगा 2 पाए अपॉन टी, 2 पाए अपॉन 12 पाए बाय 6, तो ये वैल्यू पुट करो तो आएगा 1/4 इक्वल टू कॉस पाए बाय 6 इंटू टी, सॉल्व करोगे स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। अभी सुनो, जब सॉल्व करोगे तो ये एंगल डिग्री में रहेगा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिखो, जब भी स्मॉल डी की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस साइन जो भी मिलता है वो डिग्री में मिलता है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर गलत आ सकता है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हुआ रहेगा, ये भी वैसी न्यूमेरिकल है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, कहाँ से पोजीशन दिया गया है, फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम, तो मीन पोजीशन से पोजीशन जो रहेगा वो एम्पलीट्यूड से सबट्रैक्ट करोगे, एम्पलीट्यूड 8 है, पोजीशन दिया 6, 8-6 आ गया 2, क्लियर है सबको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, मेरे को क्वेश्चन नंबर 17 देखने दो। क्वेश्चन नंबर 17, एक चीज़ मैं बताऊंगा, मुझे सर्दी होने की वजह से मैं बार बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा संभल के लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी हो जाती है सर्दी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर इन अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब x बोला गया है, अभी वेलोसिटी निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो फॉर्मूला में पुट करो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ, टाइप 2 का ए पार्ट सबको क्लियर हुआ, टाइप 2 के बी पार्ट पे जाएंगे अभी हम लोग, टाइप 2 के बी पार्ट पे जाएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 13, 12 और 22, ये दो टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन को देखते कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है पहले देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द पार्टिकल परफॉर्म्स SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड बोला है 10 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स बोला है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट वेन द वेलोसिटी इज 60 सेंटीमीटर, मतलब वी एक्स बोला है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मुझे बोला है एक्स कितना है, वी मैक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है ओमेगा इंटू ए, अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, देखो PDF में जाके देखो, ओमेगा इंटू ए फॉर्मूला लिखा है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करूँगा, हंड्रेड इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 10, ये जाएगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है कि 10, ये आगे वी एक्स बोला है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू 60, ओमेगा की वैल्यू 10, अंडर रूट ऑफ 8 की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी,
क्लियर है क्वेश्चन नंबर एट, सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ एग्जीक्यूट SHM विद एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड बोला है 5 सेंटीमीटर एंड पीरियड 2 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर द एक्सीलरेशन इज हाफ द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ए एक्स इक्वल टू ए मैक्स डिवाइड बाई टू, एक्स की वैल्यू पूछी है, पोजिशन पूछा है जब ए एक्स इक्वल टू ए मैक्स का टू, ए एक्स की वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए मैक्स की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बाय टू, ये टू है ना डिवाइड बाई, इसलिए टू, ओमेगा स्क्वायर माइनस चला गया। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए अपॉन टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, तो ए की वैल्यू 5 होगी तो एक्स इक्वल टू आएगा 5/2। क्लियर है सबको ये वाला? अभी मुझे पूछा है वेलोसिटी, वहाँ पे स्पीड पूछा है, तो फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 5/2 पुट करो, यहाँ पे ए के जगह पे 5 पुट करो, ओमेगा की जगह पे 2π/d पुट करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0.16 मीटर पर सेकेंड, तो वी मैक्स बोला है 0.16 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज ए मैक्स बोला है कितना 0.64 मीटर पर सेकेंड। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो याद रखो डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड करो, ए मैक्स और वी मैक्स को डिवाइड कर दो। पूछा क्या गया, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए मैक्स की ए मैक्स का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए, दोनों को अगर डिवाइड करूँगा तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ए ए कैंसिल, तो ए मैक्स कितना है 0.64, वी मैक्स कितना है 0.16, और ओमेगा की जगह पे 2π/t, ये जाएगा ये आएगा 4ज़ा, ये आ जाएगा 2ज़ा, तो t की वैल्यू आएगी π/2, π/2 मतलब 3.142 डिवाइड बाई 2, जो क्या है 1.571 सेकेंड्स। क्लियर है सबको? जब भी ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यू दी रहेगी और टाइम पीरियड निकालने को बोला रहेगा तो आग बंद करके उसका डिवाइड कर दो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते, क्वेश्चन नंबर देखते क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोला गया है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM हैज़ अ पीरियड ऑफ 6.28 सेकंड एंड अ पाथ लेंथ, पाथ लेंथ वाला आ गया क्वेश्चन, पाथ लेंथ मतलब 2a दिया है, कितना 20 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड बोला है 6.28 सेकंड्स। व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज, वेलोसिटी पूछा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज कितना 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये पूछा गया है। तो मुझे बताओ ए कितना आएगा 10, ए 10 आएगा, वी एक्स की वैल्यू आएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा आएगा 2π/t से, ए की वैल्यू यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे, वी एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते, ट्वेंटी और 18 स्पेशल केस है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ए और टाइप बी का है। टाइप ए और टाइप बी में आएगा मैक्सिमम वैल्यू, और टाइप ए में जो अपन ने डिस्कस किया था ये वाले पार्ट में से कोई क्वेश्चन आएगा, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 18 सॉल्व कर देते। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँगा तो वहाँ पे मुझे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालने को बोला और बाकी की चीज़ें दी गई हैं, तो हम लोग ये दोनों में से, ये फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें से जो अननोन है वो निकालेंगे और वी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस ऑन टाइम पीरियड। न्यूमेरिकल बेस ऑन टाइम पीरियड में क्या होता है देख लेते। एक ही क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k, ये एक ही फॉर्मूला रहेगा, बट इसके क्वेश्चंस कौन से वो देख लेते। दो क्वेश्चन से डिस्कस किए गए तो वो दोनों क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th क्वेश्चन नंबर 10th तो डायरेक्टली क्वेश्चन है,
मतलब पहले टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है और बाद में सॉल्व करना है, टाइम पीरियड मिल जाएगा टी वन। बाद में क्या, टी टू निकालना है, टी टू में मासेस ऐड किया गया है और बाद में टी वन और टी टू का रेशो निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9th है, बट क्वेश्चन नंबर 9th में एक हाईलाइट है जो कि बोला है हुक्स लॉ इज़ ओबेड। हुक्स लॉ ओबे करने का रीज़न मतलब कुछ भी ऐसा ड्रास्टिक रीज़न नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ये हो जाता है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिफॉर्मेशन स्प्रिंग का नहीं होगा, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। हुक्स लॉ मतलब क्या होता है, जब तक कि हम लोग इलास्टिक लिमिट तक हम लोग उसको स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एज सुन एज दी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड, द डिफॉर्म बॉडी गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ये हम लोग ने पढ़ा था हुक्स लॉ में। तो उसके हिसाब से हम लोग सिर्फ इतना ही रिलेशन लिखना है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, इतना ही लिखना है। तो उसका रेशियो निकालो, मास ऐड किया गया है तो मास ऐड करके सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9th का। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट टाइप 3 का पार्ट है, टाइप 3। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, देख लेते क्वेश्चन कौन से हैं। तो टाइप 3 के पार्ट के क्वेश्चंस पे जाते हैं। ओके, टाइप 3 डिस्कस करने से पहले, नहीं टाइप 3 डिस्कस करते पहले, बाद में आगे जाएंगे। तो टाइप 3 बोला गया है न्यूमेरिकल विच इन्वॉल्व्स इनिशियल फेस। इनिशियल फेस पूछा गया है या फिर इनिशियल फेस दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, इनिशियल फेस इज गिवन, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज आस्क। मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने बोला है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू निकालने बोली और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालने बोला। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते, क्वेश्चन नंबर 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो उसको इक्वेट करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे इक्वेट करने के बाद मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेट करो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा 4, ओमेगा बनेगा 2। द एम्पलीट्यूड इज 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड बोला है 0.5 मीटर। आगे बोला इनिशियल फेस बोला है 5π/6 रेडियन। आगे ऑप्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0.3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मुझे बताओ, ओमेगा की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 0.5 और 5 की वैल्यू पाई बाय 6 है। वैल्यू पुट करो, इसमें आंसर आ जाएगा आपको। सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है, बाद में वेलोसिटी निकालने बोला है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट डिस्प्लेसमेंट बोला है कितना, एक्स इक्वल टू 0.3 मीटर पे निकलने को बोला है। तो वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, क्लियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, फेस दिया है, एक्स पूछा है, वी पूछा है। टाइप 1 खत्म। टाइप 2 के ऊपर जाते हैं, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन एंड वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इनिशियल फेस इज आस्क। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये बोला गया कि x इक्वल टू 6 sin 3π t अपॉन 5π/6। हम लोगों को पूछा है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा ही होता है, और इनिशियल फेज पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5π/5 बन जाएगा 5π/6, ए बन जाएगा 6, ओमेगा बन जाएगा 3π, और ओमेगा वैल्यू होता है 2πf=3π, पाई पाई कैंसिल, एफ इक्वल टू 3/2। सबको क्लियर ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम इज, द इक्वेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम इज गिवन। एक इक्वेशन दिया गया, पूछा गया एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें चेंज क्या है। ऑल्सो फाइंड द फेस एंगल एंगल एट 1/24 सेकेंड्स आफ्टर दिस स्टार्ट।
तो इक्वेशन क्या बोला गया था, इक्वेशन बोला गया था कुछ x इक्वल टू ए टेन साइन 4πt प्लस पाई बाय 6। फेस एंगल पूछने को बोला, फेस एंगल मतलब ये वाला एंगल पूछा है। टाइम कितना बोला है 1/24 सेकेंड्स, तो पुट करो 5 थीटा, बोलो इसको थीटा, पूरे इसको थीटा बोल दो, थीटा इक्वल टू 4π × 1/24 प्लस पाई बाय 6, ये जाएगा 1 सा, ये जाएगा 6 सा, तो आएगा पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। फाइनल फेस इज गिवन, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। फाइनल फेस दिया गया है, पोजिशन पार्टिकल का पोजिशन निकालना है। क्वेश्चन में फोर्थ पे आ जाओ, क्वेश्चन में फोर्थ पे, क्वेश्चन फोर्थ क्या बोला है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इफ द फेस ऑफ द SHM इज 25π/4। ये फेस है और मेरे को पूछा है कि पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, पार्टिकल कहाँ पे रहेगा और किस पोजिशन पे रहेगा। निकालना है, कैसे निकालेंगे देख लेते। मुझे बताओ 25π/4 इज इक्वलेंट टू, अगर सपोज मैं निकालूंगा तो यह 25 × 180/4 ये आएगा 45 इज क्लोज टू 1000 के ऊपर जाता है, ये बराबर है 1000 के ऊपर जाएगा। अगर ये 1000 के ऊपर जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो अगर मेरे को 25π/4 को लिखना है, 3 ऑसिलेशन मतलब कितना एंगल ट्रेस किया, 3 × 2π, और आगे का मुझे x वैल्यू निकालना, मतलब कितना और ऑसिलेशन किया। तो देखते हैं क्या आता है, 25π/4 - 6π = x, ये 4 6 10, 25π - 10π/4 = x, ये आएगा 15π/4 = x। एक सेकेंड, हाँ मैंने बराबर तो किया है ना, एक सेकेंड 6 4 24 यार 24 आएगा यहाँ पे पाई बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय 4, मतलब ऑसिलेशन 3 कंप्लीट किए और उसके बाद पाई बाय 4 ट्रेस किया। ये मुझे बताओ ऑसिलेशन 3 कंप्लीट मतलब यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से आया यहाँ पे, एक ऑसिलेशन, सेकेंड ऑसिलेशन, थर्ड ऑसिलेशन यहाँ पे पूछा और बाद में पाई बाय 4 पे पहुँचा। ये पाई बाय 2 मतलब इधर पहुँचता था, पाई बाय 4 मतलब यहाँ पे कहीं पे तेरे होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन पाई बाय 4, क्योंकि मेन पोजिशन चालू करेगा ना और इधर पहुँचेगा, तो पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है साइन पाई बाय 4, 1/√2, तो आएगा एक्स की वैल्यू a/√2। क्लियर है पक्का, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी a/√2, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो पोजिशन क्या है, फ्रॉम दी मेन पोजिशन a/√2 ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्सट्रीम। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। अभी टाइप डी पे पूछते हैं, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड इज गिवन, फाइंड द फेस ऑफ एट अ सर्टन एक्स। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दिया गया है और एक एक्स की वैल्यू दी गई और मुझे पूछा है, मतलब एक्स का कोई तो वैल्यू रहेगा, एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऐसे दिया रहेगा, ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया रहेगा और कैम्पेटलिटी 12 सेकेंड्स दिया रहेगा, ऐसे कुछ वैल्यू दिए और सॉल्व करना है मुझे फेस, फेस निकालना है। फेस होता है टीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी निकालना है, बाकी के सारे टर्म्स को इधर भेज दो, तो ओमेगा टी का फॉर्मूला रहेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ SHM। ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, दो SHM रहेगा, x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, मतलब अगर ऐसे दिया रहेगा तो x1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, x2 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, मतलब ये a1 आएगा 3, a2 आएगा 4। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अल्फा आ जाएगा π/2, बीटा आएगा 2π/3। अगर मुझे रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, फेस निकालना है, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा,
रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कॉम्पोजिशन ऑफ SHM के क्वेश्चन पे जाओ, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपको। इसमें कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर रहेंगे तो CET रहेंगे, CET पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। अगर CET पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे तो आप मुझे डाउट पूछने चाहिए। अगर आप मुझे डाउट नहीं पूछ रहे हो तो वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वो आपको आना चाहिए। ये बेसिक मेथड से तो सॉल्व करने को आता ही आराम से, बट अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा कि हाँ यार फास्ट में कैसे करना है, तो वो CET क्वेश्चन दिए गए मैंने आपको और उसमें वो क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछने चाहिए कि सर ये क्वेश्चन फास्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? ये हो गया आपका, लॉन्ग कट नहीं बोलूंगा, ये ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग अगर न्यूमेरिकल में पूछा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। टाइप 5 पूछा गया है, टाइप 5 पूछा गया है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू निकालो। पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सपोज क्वेश्चन में ऐसे भी बोला रहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज दैट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा की क्वेश्चन नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। ऐसे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 टोटल एनर्जी, ऐसे बोला गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ये पूछा गया है। तो काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 टोटल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर, ये हाफ और ये हाफ के गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर, तो आएगा ये 1/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आएगी 1/2 ए प्लस और माइनस। क्लियर है पक्का ये वाला? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा मुझे बताओ, 1/4 टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 1/4 टोटल एनर्जी, बराबर है? तो अगर 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 क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया गया है कि देखो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 टोटल एनर्जी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना गया, 1/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 3/4 टोटल एनर्जी, तो डिस्प्लेसमेंट बट ऑब्वियसली √3/2 ये आएगा। सॉल्व करते हैं, देखते सॉल्व करते क्या क्या आता है। देखो ध्यान दो, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ ऑफ गया के गया, एक्स कितना आएगा, √3/2 ए, सेम है क्या? क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एन टाइम्स टोटल एनर्जी, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू √NA, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, सब लोग समझ के लो, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी इज एन टाइम्स टोटल एनर्जी, देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू √N इंटू ए, 3/4 था तो इसका √3/2 आ गया। क्लियर है? अभी आप लोग बोलेंगे सर ये काइनेटिक एनर्जी के केस में कर सकते हैं क्या? यस, काइनेटिक एनर्जी के केस में भी कर सकते हैं, बट इसको फिर घुमा फिरा के करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म रहेगा फ्रैक्शन में जो दिया रहेगा उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करो और बाद में सॉल्व करो। अगर सपोज ऐसे बोला है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे बोला कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 7/8 टोटल, तो इसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1 = 7/8 प्लस एक्स, ये हो गया काइनेटिक, ये हो गया पोटेंशियल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा 1 - 7/8, तो आएगा 1/8, एक्स आ गया, मतलब आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एन टोटल एनर्जी, एन मतलब 1/8, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, √NA, मतलब यह 1/8 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/√2। क्लियर है पक्का? तो अगर करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा तो ऐसे भी कर सकते,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अगर सपोज मैंने बोला है एन टाइम्स टोटल एनर्जी, तो अगर एक्स निकालने का रहेगा तो आएगा रूट ऑफ एन माइनस वन, सॉरी वन माइनस एन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर काइनेटिक के टर्म्स में रहेगा तो ये आएगा फॉर्मूला, बट पोटेंशियल के टर्म्स में रहेगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एन टाइम्स टोटल एनर्जी, देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू ए। ये दो फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट, आग बंद करके क्लियर है ये वाला पार्ट हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर फ्रैक्शन पूछा रहेगा, एमसीक्यू पूछा रहेगा तो ये सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू से ये सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने जो वो डिस्प्लेसमेंट और ये इक्वेट किया ना वो कहाँ पे सॉल्व करना है, वो सिर्फ करना है आपको अपने नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में। नॉर्मल न्यूमेरिकल्स मतलब कौन से हो गए, जो अपने टेक्स्ट बोर्ड्स में आने वाले वो बोले, बट अगर सीईटी और एंट्रेंस में पूछा तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनर्जी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज परफॉर्मिंग SHM, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी बोला है 4.7 जूल एंड 4.6 जूल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब देखो काइनेटिक एनर्जी टू डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट बोला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 सेंटीमीटर 4.7 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 6 सेंटीमीटर कितना है 4.6 जूल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टोटल एनर्जी सेम रहता है ऑसिलेशन में, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल। देखो इसको यहाँ पे लेके आ, इसको यहाँ पे लेके आया, बस पोटेंशियल का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के बदले एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी वन करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। बाद में क्या वैल्यूज क्या निकाला बाहर, एम ओमेगा स्क्वायर बाजू में है, ओमेगा को लिखा 2π/T का स्क्वायर, और ये एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इधर लिख दिया, क्लियर है। ये एक्स टू और एक्स वन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, मास भी पता है तो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड है। क्लियर है क्वेश्चन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड्स में डिस्कस नहीं किया गया, बट इसका फॉर्मूला कोई डिफिकल्ट नहीं है। टोटल एनर्जी यूज़ करना है कंसेप्ट, काइनेटिक को एक साइड में लेके आओ, पोटेंशियल को एक साइड में लेके आओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करो हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, के की जगह पे लिखो एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का फॉर्मूला 4π² / T² देखो वही फॉर्मूला यूज यहाँ पता है मैंने। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम डायरेक्ट फॉर्मूला है 2π√L/G, कोई घुमा फिरा के फॉर्मूला नहीं, 2π√L/G वेर ओमेगा इक्वल टू √G/L, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही था ना 2π/ω, इसका उल्टा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टॉर्शनल पेंडुलम एंड बार मैग्नेट। टॉर्शनल पेंडुलम मतलब कौन सा, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और टॉर्शनल कांस्टेंट ये रहेगा, ये मैंने डिस्कस किया है बोर्ड्स में, तो इसको मैं ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करूँगा, और टाइम पीरियड का जो इक्वेशन रहेगा, टाइम पीरियड का इक्वेशन जो रहेगा वो T² इक्वल्स टू क्या, 4π² / C, ये वैल्यू मिल जाएगा आपको, क्लियर है ये वाला पार्ट। तो ये मैंने डिस्कस किया है अपने जो बोर्ड्स वाले इसमें, मतलब जो बोर्ड्स वाले पार्ट में डिस्कस किया, तो आप देख सकते हो वाला क्वेश्चन नंबर टाइप 7, और टाइप 9 भी डिस्कस किया मैंने, ये वाला सेम डिटो टाइप डिस्कस किया है। तो टॉर्शन का या फिर टॉर्क का फॉर्मूला ये आता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आता है, और वो दो बार मैग्नेट वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे पॉजिटिव नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल को कनेक्ट किया है, और बाद में टाइम पीरियड निकालना है, वो वाला पार्ट भी मैंने डिस्कस किया है, तो देख लो वाला पार्ट, तो वो पार्ट मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, तो ये वाला जो वन शॉट वाला PDF बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो वाला पार्ट मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूँ, और आपके पास है वो सब चीज़ें, तो उसको वापस डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं है। तो आज का लेक्चर जो वन शॉट का यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, अच्छे से देखो वीडियोस को, मेरे को नहीं लगता कि ये वीडियो को देखने के बाद कोई न्यूमेरिकल ऑसिलेशन का बच जाता है, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, तो बराबर से देखो, PDF आपके पास है, PDF बाजू में रखो, कुछ चेंजेस मैंने बोले रहे तो चेंजेस कर लो, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट दिए, दो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए, ये वाले काइनेटिक और पोटेंशियल वाले, ये दो डायरेक्ट रिजल्ट आप ऐड कर सकते हो उसमें, ये आपको CET के MCQs में यूज़ होगा, क्लियर है। तो लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कुछ नए इसके साथ। मैं और एक चीज़ बताऊँगा, अभी अपना ड्यूअल लेक्चर ख़त्म हो चुका है,
कासिम सर के बच्चे जो है, कासिम सर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द ड्यूअल नेचर ख़त्म कर लो। तो उसके बाद मैं ड्यूअल नेचर की जो क्वेश्चंस है मैंने MCQs भेज दिए हैं, कासिम सर के बच्चों को मैं भेज दूँगा, उनका उनका अभी चालू हुआ ड्यूअल नेचर, मेरे बच्चों का हो चुका है ड्यूअल नेचर, तो मैं उनको अभी आज ही भेज दूँगा MCQs। तो आपको MCQs सॉल्व करना है। मुझे व्यूअर ने डाउट पूछा है कि MCQs में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं वन शॉट में ही डिस्कस करूँगा या फिर अलग से डिस्कस करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, बट वो डिस्कस करूँगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो ड्यूअल नेचर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आज शाम को, आज शाम को अच्छे से सॉल्व करना। आज शाम से एक हफ्ते तक हम लोग ड्यूअल नेचर के लिए टाइम देंगे, और उसके अगले इसमें अगर हो गया, ये आपको अगर समझ में आ रही है पैटर्न वीडियो लेक्चर का, तो वीडियो लेक्चर की तरह ही मैं जूम मीटिंग के अलावा वन शॉट वीडियो लेक्चर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं होता है तो फिर मैं जूम मीटिंग में ही कंसिडर कर दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में। टिल देन बाय।